वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स गाइस। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी और एनाटॉमी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स की तो बात ही करते हैं कि उसमें आते ही बहुत सारे क्वेश्चन, एनाटॉमी उसका एक पार्ट ही है, सब्जेक्ट है। बात चाहे अदर एग्ज़ाम्स की, उसमें भी ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में 90+ क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश, पूरी कोशिश की हुई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये पार्ट फर्स्ट है, ऐसे ही बहुत सारे पार्ट में जो ह्यूमन बायोलॉजी के, ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट फर्स्ट के 90+ क्वेश्चन, ह्यूमन एनाटॉमी बायोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट हड्डी कौन सी है, तो वह फीमर बोन, जो थाई में, जांग में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है, नेम द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी मसल, स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है जो प्रेजेंट होती है, तो वो स्टेपेडियस मसल। ये 1 mm, जो इसकी साइज है वो कितनी, 1 mm, और ये कहाँ पर पाई जाती है, कान में। कान में जो 3 bones होती हैं, 3 ossicles होते हैं, टोटल मिला के 6 कह सकते हैं हम, दोनों कान के मिला के, मेलियस, इनकस और स्टेपस। तो जो स्टेपस बोन होती है कान में, सबसे छोटी हड्डी पूरी ह्यूमन बॉडी की, तो वहीं पर स्टेपेडियस मसल्स प्रेजेंट रहती है, और ये ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी मसल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल कॉल्ड। तो जो हमारे नेल्स, उनमें सेमी सर्कुलर एरिया रहता है, उसको क्या कहा जाता है, वो कहलाता है ल्यूनुला। जो आपके नेल्स होंगे वहाँ पर जो व्हाइट कलर का एक आर्च जैसे पोर्शन देखने को मिलता है, वो क्या कहलाता है, ल्यूनुला। नेक्स्ट इज, नेम द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी वेन कौन सी है, तो वो इन्फीरियर वेन है, केवर। नेक्स्ट इज, व्हाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल। से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है कि जो ब्लड है वो यदि बाहर आता है, कभी भी कट लगता है, थोड़ी देर बाद क्लॉट बन जाता है, बट जो वेन्स, जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, तो उसमें किसी भी तरीके का क्लॉट है, थ्रोम्बस है, क्यों नहीं बनता। तो ये हेपेरिन की प्रेजेंस के कारण ऐसा नहीं होता। हेपेरिन क्या है, एंटीकोआगुलेंट एजेंट है। सो प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन, तो यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल से वहाँ पर क्लॉट नहीं बनता। नेक्स्ट इज, नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन क्या है, स्टेपस, जो कान में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन हैज मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। तो ह्यूमन बॉडी में जो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, किस ऑर्गन की है, रीजनरेशन की, दोबारा यदि डैमेज होता है तो उसको फिर से रिजनरेट होने की, तो सबसे ज़्यादा क्षमता किस में होती है, लीवर में। तो ह्यूमन बॉडी का लीवर एक ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा रिजनरेट होने की क्षमता पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है कि जो वाइल है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है और स्टोर जाके कहाँ पर होता है। तो वाइल का प्रोडक्शन है जो ह्यूमन बॉडी में, वो लीवर में होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट इज, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो वो है प्लेटलेट्स। और कभी कभी एग्जाम में कंपोनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं कि ब्लड किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो एक तो है प्लाज्मा, जो 55 से 60% प्रेजेंट होती है। दूसरे हैं कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स 3 होती हैं, RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है RBC को। दूसरा है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और थर्ड है प्लेटलेट्स। तो जो कॉर्पसल्स हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पर ये तीनों हैं जो क्या हैं, कॉर्पसल्स हैं, और ये ब्लड के कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। नेक्स्ट इज, नेम द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वह पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में इसका सीक्रेशन करती हैं, ना कि किसी डक्ट के थ्रू होते हुए जाएगा, जो भी हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की एक खासियत है कि ये जो जो भी हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं,
और एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के डक्ट्स नहीं होते कि जो हार्मोन सीक्रेट करे कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड, वो डायरेक्ट किसी डक्ट से ना होते हुए जाके डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई होता है, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? तो एक ह्यूमन बीइंग में टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और न्यूबॉर्न बेबी की बात की जाए तो उनमें 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल? तो ह्यूमन सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? टोटल 46, और 23 पेयर्स में यदि पूछा जाए तो 23 पेयर्स, और यदि नंबर में पूछा जाए तो 46। नेक्स्ट इज, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? तो ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट क्या है? तो वह सेरिब्रम। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी होती है? होती है 7 मीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? तो बड़ी आंत की साइज कितनी होती है? तो ये होती है 1.5 मीटर। एग्जाम में एक क्वेश्चन और जब बात इंटेस्टाइन की जा रही है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे बड़ी आंत है जो साइज में कौन सी इंटेस्टाइन रहती है, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज, कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन पिगमेंट प्रेजेंट इन? तो आँखों में जो कलर जब हम पहचान कर पाते हैं तो किस पिगमेंट के कारण होता है? आइरिस के कारण। नेक्स्ट इज, विच टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? तो कैंसर का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वह बायोप्सी। नेक्स्ट इज, नेम द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स? सबसे बड़ी जो WBC हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट जो WBC कौन सी हैं? तो वह मोनोसाइट। नेक्स्ट इज, अवर बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ विच एलिमेंट? तो हमारे जो दांत और हड्डियां हैं किस एलिमेंट से बनी हुई हैं? तो ये बनी है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला है Ca3PO4। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से हमारी बोन्स और टीथ बने हुए होते हैं। नेक्स्ट इज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी वाय? तो जो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है? तो वो होती है ब्लड के। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ RBC? तो RBC का रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का जीवन काल है वो कितना होता है? होता है 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलर ऑफ विच ग्लैंड रिजल्ट इन डायबिटीज इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन सी ग्लैंड फंक्शनिंग करना है फिर फेल हो जाए तो डायबिटीज की कंडीशन होगी? तो वो है पैंक्रियास। नेक्स्ट इज, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द RBC इन द ह्यूमन बॉडी विल? यदि हम किसी ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर्वतारोही स्पेशली, तो RBC का जो RBC प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में उनमें क्या होगा? तो उनमें जो नंबर है जो बढ़े हुए मिलेंगे, इंक्रीज इन नंबर्स। और WBC का काउंट कब बढ़ता है? जब बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट इज, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? तो ब्लड का कलर है जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? जो हीम कंटेंट प्रेजेंट होते हैं ब्लड में उनके कारण। नेक्स्ट इज, इन ह्यूमन यूनिवर्सल रेसिपेंट हैज द ब्लड ग्रुप ऑफ? तो कौन से ह्यूमन बीइंग है जो किसी भी तरीके का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं? तो वो है AB ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट इज, यूनिवर्सल डोनर हैज द ब्लड ग्रुप ऑफ? तो कौन से ब्लड ग्रुप हैं जो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं? तो वह ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग। नेक्स्ट इज, बोन्स आर कनेक्टेड बाय विच टिश्यू? तो जो बोन्स हैं किस टिश्यू से कनेक्टेड होती हैं? तो जुड़ी हुई होती हैं लिगामेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट इज, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया डिसीज कनेक्टेड विथ? तो ये दोनों डिसीज हैं जो आँखों से रिलेट करती हुई हैं। नेक्स्ट इज, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है? तो वह स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट इज, इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज टीबिया बोन फाउंड? तो टीबिया कहाँ पर पाई जाती है? तो ये लेग में पाई जाती है। नेक्स्ट इज, विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी? तो एड्रेनालिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर फाइट और फ्लाइट आइडिया आपने एक सुना होगा, तो उसमें भी कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है? वो एड्रेनालिन, इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज, नेम द मोस्ट कॉमनली ब्रोकन बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में मोस्ट कॉमनली कौन सी बोन टूटती है? तो वो है क्लेविकल फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है और इसको कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या है? तो वो है आयरन। नेक्स्ट इज, इन ह्यूमन बॉडी डायलिसिस इज यूज फॉर फेलियर ऑफ विच ऑर्गन? तो जो डायलिसिस है वो किस ऑर्गन के फेल होने पर किया जाता है? किडनी के, क्योंकि किडनी पूरे बॉडी का जो वेस्ट है उसको फिल्टर करती है, तो
यदि किडनी फेलियर हो जाए तो उस कंडीशन में डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई, आंखों पर इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, तो ये बनती है रेटिना में। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन इज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन क्या है, तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज विच आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर, तो कोबाल्ट के किस आइसोटोप का यूज़ किया जाता है कैंसर डिटेक्ट के लिए, तो वो कोबाल्ट 60। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स कौन सी है, तो वो aorta, आर्च ऑफ aorta। नेक्स्ट इज ECG इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच ऑर्गन, ECG की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कह सकते हैं हम, तो इसको कार्डियक बर्ड, दैट मीन्स यहाँ पर हार्ट से रिलेट करता हुआ कुछ है, ग्राफी मीन्स स्टडी। बात यहाँ पर जब EEG की जाती है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, तो उसमें हम जो राइट आंसर बनता वो बनता ब्रेन। नेक्स्ट इज विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ ब्लड प्रेशर, तो एड्रिनेलिन ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को जो घटा भी सकती है बढ़ा भी सकती है। जनरली जो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनेज में जो हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं इसमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन होते हैं यही जो ब्लड जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखते हैं। तो कौन सी ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर से एसोसिएट रिलेट है, तो वो एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट इज नेम द लार्जेस्ट जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट क्या है, तो वो नी जॉइंट, घुटनों में पाया जाता है। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया हेरिडेटरी डिसीज विच अफेक्ट, थैलेसीमिया एक जो कह सकते हैं हम जेनेटिक डिसीज, हेरिडेटरी डिसीज है, अनुवांशिक डिसीज है, तो ये किस इससे बॉडी का क्या अफेक्ट होगा, तो ब्लड। नेक्स्ट इज नेम द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, तो सार्टोरियस मसल्स है जो लॉन्गेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स अकर्स एट, तो ह्यूमन बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं कहाँ पर बनती हैं, तो ये बनती हैं बोन मैरो में। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बेसिक टेस्ट कैन ह्यूमन सेंस, तो कितने टेस्ट का ह्यूमन है जो फील कर सकता है, तो वो 5, स्वीट सोर बिटर सॉल्टी एंड उमामी। नेक्स्ट इज नॉर्मल हेल्दी पर्सन बॉडी टेम्परेचर, तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, यदि बात सेल्सियस की जाए तो होगा 36.9 to 37, बात यदि फ़ारेनहाइट की जाए तो होता 98.6 degrees Fahrenheit और केल्विन में 310 केल्विन। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ह्यूमन वॉइस बॉक्स, तो जो ह्यूमन वॉइस बॉक्स है उसको और किस नाम से जाना जाता है, लैरिंग्स। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो स्प्लीन। नेक्स्ट इज DPT वैक्सीन इज हेल्पफुल इन प्रिवेंट ऑफ विच डिसीज, तो DPT वैक्सीन है जो किन 3 डिसीज से बचाता है, तो डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस। नेक्स्ट इज विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डिसीज ऑफ गॉइटर, तो गॉइटर है जो किस डिसीज से किस ग्लैंड से रिलेट करता हुआ डिसऑर्डर है, थायरॉयड, जब थायरॉयड हार्मोन है T3, T4, TSH कम सीक्रेट हो तो कौन सी डिसीज होगी, वो गॉइटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड ए सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है सेल्स के लिए, तो वो लाइसोसोम्स। नेक्स्ट इज विच वायरस इज रिलेटेड विथ एड्स, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम है जो किस वायरस से होता है, तो वो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस के द्वारा, HIV वायरस के द्वारा, और रेट्रोवायरस भी कहलाता है इसको। ये DNA इसका जो स्ट्रक्चर है केमिकल कंपाउंड है वो क्या है, DNA। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज ब्लड कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज एवरेज हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन बींग, तो नॉर्मल ह्यूमन बींग की हार्ट बीट है जो कितनी, जो हार्ट है एक मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 per minute, 72 per minute। नेक्स्ट इज हार्ट इज मेड अप ऑफ विच मसल्स, तो हार्ट है जो हृदय किन मसल्स से मिलके बना होता है, तो बनता है कार्डियक मसल्स से। नेक्स्ट इज वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन। यदि बात एक्सक्रेटरी सिस्टम की बेसिक यूनिट पूछी जाए तो वो होता है नेफ्रॉन। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी के जो इमोशनल रिएक्शन है वो ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होते हैं, तो होते हैं हाइपोथैलेमस से।
नेक्स्ट इज विच टिश्यू इन ह्यूमन वेयर नो सेल डिवीजन अकर आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कौन सी सेल्स हैं जिनमें डिवीजन नहीं होता, तो है नर्व्स। नेक्स्ट इज नेम द एसिड विच इज सीक्रेटेड इन स्टमक, तो वो HCl। नेक्स्ट इज विच ब्लड कॉर्पसल्स आर पॉपुलरली नोन एज द सोल्जर्स ऑफ बॉडी, सोल्जर्स ऑफ बॉडी किस कॉर्पसल्स को जाना जाता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, तो है WBC। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को सोल्जर्स ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन एंटर होता है तो WBC क्या है, उससे फाइट करती हैं, इसीलिए इनको सोल्जर्स ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट अ मसल टू अ बोन, तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं टेंडन। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, वो है लिवर। यदि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तब क्या होती है, थायरॉइड ग्लैंड। यदि लार्जेस्ट ग्लैंड बस पूछे दैट मीन्स लिवर। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स द इंसुलिन, तो ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन का सीक्रेशन करता है, तो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं वो इंसुलिन का सीक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है सभी एग्जाम्स का, तो ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज नेम द मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन क्या है, वो टेस्टोस्टेरोन, यदि फीमेल की बात की जाए तब होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट, हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता, वो है हार्ट, यदि रेस्ट कर लो दैट मीन डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का जो डेंटल फार्मूला है वो क्या है, वो है 2123/2123 मींस 2 incisor, 1 canine, 2 premolar और 3 molar। यदि बात बच्चों की जाए तब होता है 2122/2122। नेक्स्ट इज हाउ मैनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट में कितने कक्ष होते हैं, होते हैं 4, 2 atrium और 2 ventricle। नेक्स्ट इज एनिमल और ह्यूमन विथ स्पाइनर कॉल्ड, जो भी ह्यूमन और एनिमल्स में स्पाइन प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ईयर अदर देन हियरिंग, तो हमारी बॉडी में कानों का सुनने के अलावा और एक काम क्या है, तो बैलेंस बनाना, जो वेस्टिवो कोक्लियर रीजन होता है कान का इनर ईयर में, वो काम क्या करता है, बॉडी बैलेंस बनाने का। नेक्स्ट इज हाउ मच ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में 4.5 से 5.5 liter ब्लड है जो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज वट इज़ द वर्ड यूज फॉर पर्सन हु वर्न विदाउट स्किन एंड आई पिगमेंटेशन, तो जो लोग बिना आँखों के पिगमेंटेशन विदाउट स्किन के होते हैं, इनकी स्किन पिंक टाइप की दिखती है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एल्बिनो। नेक्स्ट इज इन ग्लूकोमा डिसीज विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड, तो ग्लूकोमा कहाँ की डिसीज है, तो है आँखों की। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी विच ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन, कौन सी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज विच ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर्स इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में आंसुओं का जो सीक्रेशन है, प्रोडक्शन है, वो कौन करता है, वो लैक्राइमल ग्लैंड। नेक्स्ट इज विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज इन फीमेल फिनोमिना ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, तो एक जो फिनोमिना है ओवम रिलीज के लिए ओवरी से, तो उसको क्या कहा जाता है, वो कहलाता है ओव्यूलेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना है, तो 7.35 to 7.45। जो पीएच स्केल होती है उसकी रेंज होती है 1 से 14 तक। यदि 1 से जो बीच में यदि सेंटर में बात की जाए तो 7 तक आएंगे, फिर 7 के बाद 14 तक, यदि 7 तक है दैट मीन्स ब्लड का पीएच कितना है, न्यूट्रल। नेक्स्ट इज विच इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी नर्व कौन सी है, तो वो सियाटिक नर्व। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज फेरिंग्स इज लोकेटेड, तो ह्यूमन बॉडी में फेरिंग्स कहाँ पर होती है नेक में। नेक्स्ट इज विच ट्यूब पासिस फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, एक ट्यूब प्रेजेंट होती है माउथ के बाद जो फेरिंग्स से स्टमक को कनेक्ट करती है, फूड पास करती है, तो क्या है, वो ईसोफेगस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हेल्प, सॉरी व्हाट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग ऑफ गम ब्लीडिंग,
एस्कॉर्बिक एसिड हैं जो गम ब्लीडिंग को रोकते हैं। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन हैज मिनिमल रिजनरेशन पावर। तो पहले अभी हमने की थी हाईएस्ट जो मैक्सिमम रिजनरेशन पावर किस ऑर्गन की होती है, तो वो है लीवर। और मिनिमल मीन्स सबसे कम, लीस्ट चांस किसके होते हैं रिजनरेशन के, तो वो न्यूरोन और नर्व सेल्स के। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट ह्यूमन सेल्स इज इट्स अ ओवम। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल्स इज, तो डाइजेस्टिव बैग क्या है सेल के लिए, तो है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉल्व्स इन वेन, जो वेन्स होती हैं उनमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या मेन पर्पस है। तो जो ब्लड का फ्लो होता है तो बैक फ्लो को रोकते हैं, तो इनका पर्पस क्या होता है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन किसको कहा जाता है, तो वो सेरिबेलम। नेक्स्ट इज विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन ह्यूमन बॉडी, तो लिम्फोसाइट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू, बाय बाय।